महाराष्ट्र गृह निर्माण और क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रविवार को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी। कुछ तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द कर दी गई है, ऐसी जानकारी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने देर रात एक वीडियो डालकर दी। इस दौरान विद्यार्थियों को हुई असुविधा के लिए उन्होंने खेद जताया। हालांकि छात्रों ने अचानक परीक्षा रद्द होने और देर से अधिसूचना देने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कुछ अपरिहार्य कारणों और तकनीकी कठिनाइयों के कारण कल की महाड़ा की परीक्षा और उसके बाद की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और जनवरी में आयोजित की जाएंगी, ऐसी जानकारी भी इस दरमियान गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ये जानकारी इतनी रात को इसलिए दी जा रही है क्योंकि छात्र कल सुबह घर से केंद्र पर ना जाए। सर्व विद्यार्थ्यांची क्षमा मागून काही अपरिहार्य कारणामुळे व तांत्रिक अडचणीमुळे उद्याची होणारी म्हाडाची परीक्षा व त्यानंतर होणाऱ्या सर्व परीक्षा ह्या जानेवारीत घेतल्या जातील त्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत। ही माहिती मी एवढ्या रात्री फक्त याच्यासाठी देतोय की विद्यार्थ्यांनी उद्या सकाळी घराच्या बाहेर पडून सेंटरवर जाऊ नये, त्यांना त्रास होऊ नये, त्यांनी गाव सोडू नये। परत एकदा आपली क्षमा मागतो।